सबको भेज दिया। वो कहाँ है? आप उन्हें आने, उनको आने दो, हम उनसे बात करता हूँ। क्या क्या भेजा है किसने जानता? आप ऐसे सामान उतारो, वो क्या है देखना पहले, क्या भेजा है, कौन भेजा है, सबको देखना। इस वीडियो में इस फैमिली के साथ कुछ अनोखा होने वाला है। इन सभी के चेहरों पे बहुत सारे इमोशंस दिख रहे हैं, जैसे कि गुस्सा, खुशी और आश्चर्यचकित हो जाना। फ्रिज लेके आया, ये देखो बहुत खुश हो गए। सोचा नहीं था। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। ये वीडियो बहुत ही सैटिस्फाइंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। आने वाली वेब सीरीज के लिए हम एक जगह पे शूट करने गए थे। उसी समय हमने YouTube पर 500,000 सब्सक्राइबर्स से ज्यादा हिट किए, इसलिए एक स्पेशल वीडियो बनाने के लिए हम पास में एक जगह पर गए। हम लोगों ने वहाँ पर एक सर्वे शुरू किया। वहाँ पर जिन्हें हमारी मदद की जरूरत थी उनसे हमने बात की, उनसे पूछताछ की कि उनकी जरूरतें क्या हैं। तभी हमें इस फैमिली के बारे में पता चला। आपके घर में कितने लोग हैं? दो बेटे, दो बहू, हम दोनों और आप। यहाँ इसी घर में रहते हैं? हाँ। ओके, आपके घर में किसी चीज की जरूरत है? हमारे घर में फिलहाल कुछ भी नहीं है। अगर फ्रिज होता तो अच्छा होता, अगर टीवी होता तो अच्छा होता, बस छोटी छोटी आशाएं हैं। लेकिन खर्चे बहुत है हमारे घर पे कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है? टीवी भी नहीं है क्या? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आके देख लीजिए। हाँ, सच में टीवी फ्रिज कुछ नहीं है। देखिए ना, सिर्फ एक अलमारी है। ओके, क्या लेके कहाँ रखेंगे? नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ये सब हम नहीं ले रहे। ट्राइबल है ना? हाँ, क्या कहा आपने? हम लोग ट्राइबल है, हम कुछ नहीं जानते। नहीं नहीं, मैं ट्राइबल होने की बात नहीं कर रहा, हम सिर्फ हमारी तरफ से कुछ मदद कर सके तो ये देख रहे हैं। आप तो उम्र में छोटे हैं मगर अच्छी बात करते हैं। किसके पास ये दया है करना है वो सिर्फ बड़े आदमी ही होता है। मुझे बहुत पसंद आया। हम सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं, गवर्नमेंट का हमसे कोई वास्ता नहीं है। ओके जी, ठीक। अगर आप मदद करना चाहते तो हमें टीवी की जरूरत है। उनको बिल्कुल पता नहीं है कि अगले 2 दिन में इनका सपना पूरा होने वाला है। देखते अगर हमसे हो पाए तो हम कर देंगे। उनके लिए सामान खरीदने के लिए मैं एक पास वाले इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गया। वहाँ कम बिजली कंज्यूम करने वाले फ्रिज और टीवी को देखा। ये करंट बिल कम आते हैं सर, ईयरली जस्ट 120 यूनिट सर, अभी डेली क्वार्टर यूनिट आते हैं। अच्छा यूनिट सर। वो फ्रिज और टीवी का टोटल बिल और प्लस उनको जरूरत पड़ने वाले 1 साल का बिजली का बिल का पैसा फ्रिज के अंदर रख दिया। बट वाई? क्योंकि नंबर 1, उनके हाथों से दुकानदार को पैसे देने के लिए, नंबर 2, उसी परिवार पे एक प्रैंक करना था, ऐसे ही मजाक के लिए। क्यों? आइए ये बिट देखते हैं। घर में कितने लोग हैं? दो बेटे, दो बहू, हम दोनों और हमने क्या पूछा और ये क्या बता रहे हैं? इतना बता देते कि घर में कितने लोग हैं। क्या लेके कहाँ रखेंगे? हम लोग ट्राइबल है, हम कुछ नहीं जानते। इतनी आशा है, पूरा बोलती है। इस वीडियो में जो बुजुर्ग हैं वो काफी हाइपर एक्टिव हैं। इनसे जब हमारी मुलाकात हुई तो ये काफी नाराज हुए थे, तो बदला तो लेना है ना, तो इसीलिए ये प्रैंक। लेकिन ये सिर्फ मजाक है, हमारे व्यूवर्स के एंटरटेनमेंट के लिए ये एक छोटा सा हम प्रैंक करने वाले हैं। प्रैंक प्लान मैं बताता हूँ, अब ये सुनिए। डिलीवरी पर्सन वो टीवी और फ्रिज लेकर उस फैमिली के पास जाने वाले हैं। वो कहेंगे कि 3 दिन पहले वो हमारे मैनेजर से मिले थे और टीवी फ्रिज चाहिए, तो इसलिए आज डिलीवरी हो रहा है। डिलीवरी पर्सन उस फैमिली से पैसों की मांग करने वाला है। टीवी और फ्रिज फ्री में मिला, ये सोचने वाली फैमिली इस ट्विस्ट पर कैसे रिएक्ट करेंगे ये देखेंगे। तो जरूर थोड़ी बहस तो होगी ना, तो मैं वहाँ पर जाकर इंस्टॉलमेंट में पैसे देने के लिए उनको कन्विंस करूंगा। यू नो आई कैन डू दैट। सब कुछ होने के बाद हम उनसे फ्रिज खुलवाएंगे और अंदर रखे पैसों को देखकर उनके रिएक्शन को देखेंगे और आखिर में उन्हीं के हाथों से टीवी और फ्रिज के लिए दुकानदार को पैसे दिलवाएंगे। विश्वास कीजिए कि ये वीडियो बहुत ही फनी, एंटरटेनमेंट और सैटिस्फाइंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लान के हिसाब से डिलीवरी पर्सन को उस फैमिली का घर दिखाएंगे और उनसे कैसे बात करना है ये उन्हें समझाएंगे। मेरा मैनेजर सर आपको घर का है ना? वैसे ही घर पे नहीं है, सामान नहीं है बोला ना, आप लोग सामान बुक किए ना, ये ले जी आपका बिल, बिल 28,000, इसके साथ ट्रांसफर 20,000 देंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, शायद तूफान आने वाला है, जल्दी बिल पे करो। डिलीवरी पर्सन का माइक सेट कर दिया, सब कुछ तैयार है, अब हम उस परिवार से बात करने जा रहे हैं। घबराना मत, मैं इधर ही बैठूंगा, किधर भी नहीं। हाँ, यही रुक जाइए आप, मैं उनको फोन कर देता हूँ, वो यहाँ पर आ जाएंगे। वो यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं, यही प्लान है, सब कैमरा पर रिकॉर्ड होगा, अब बस वहाँ पर जाना है। तू ले लिया ना? जैसे हमने प्लान समझाया था, डिलीवरी पर्सन उनके घर पहुंचे और सामान दिखाया और कहा कि उन्होंने ये सामान खरीदा है। क्या 26,000? टीवी फ्रिज, टीवी और फ्रिज 26,000। वो अभी नहीं, ड्यूटी को चले गए। हाँ, फोन करो। ओहो, हमसे पहले उन्होंने हमें सरप्राइज दे दिया। जिन्हें सरप्राइज देना था वो महिला और बुजुर्ग, वो दोनों घर पे नहीं थे, फिर भी जैसे हमने समझाया डिलीवरी पर्सन वैसे ही बात कर रहे थे। फोन करने से उन लोग आ जाते, जब तक आप रहेंगे। ऐसा जाइए तो कैसा, तू ये सामान ऑर्डर कर रही है ना, आप टाइम बता के घर में भेजना, 6 बजे तक उन लोग नहीं आएंगे, रोटी चलेगी। उन्हें जरा फोन करके बुलाओ, उसके कोई जरूरत नहीं है। पैसा देना है कितना? 26,000 मैडम। हाँ? सिर्फ ट्रांसफर चार्ज 2,000, पूरा 28,000। तो आपको 2,000 रुपए दूंगी तो चले जाओगे?
सिर्फ 2000 नहीं है, पूरा सामान का बिल पे क्या, करना। क्या आप उस लड़के को जानते हैं? वो तो हमारी मदद करने आया था। हेल्प कर रही है तो बिल नहीं देता ना। उन्होंने तो हमें कुछ बताया नहीं, बताया होता तो हम पहले मना कर देते। मुझे क्या पता, ये आप लोग ऑर्डर किया वो सामान मैं इधर लेके आया, बस वही है। अभी हमारे प्लान को आगे बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ एक ही काम करना है, उनका नंबर लेकर उन्हें कॉल करके बुलाना है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। मुझे क्या पता है, ये मेरा बड़ा मैनेजर बोला ना। हाँ, जिस व्यक्ति को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका इन परिवार वालों से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को एक डिटेक्टिव समझता है, इसलिए वो हमारी कार की तरफ दौड़ के आया। बस उतना ही नहीं, घर वालों का नंबर लेने से भी वो हमें रोक रहा था। हमको तो पता नहीं, पूछो ना, मैं इधर सामान लेकर आया, से भी सिग्नल नहीं मिल रहा उधर, नहीं मिलता। वो सलाह भी दे रहे थे कि वो कुछ ना करें, ये लोग यहाँ पर कुछ देर रुक कर चले जाएंगे। बस उतना ही नहीं, इस भागदौड़ी के बीच डिलीवरी पर्सन से हमारा कॉन्टैक्ट छूट गया और उन पर जो माइक लगाया था उससे हमें ऑडियो नहीं मिल रहा था, तो वहाँ जो हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। उन्हें कॉल करके पता करें क्या हो रहा नंबर है। नहीं जा रहे। क्या कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा, सिग्नल नहीं मिल रहा है क्या? दूर भी चले गए, कट हो गए, आवाज नहीं आ रही है क्या? अब इस सीन में तीसरे व्यक्ति का आने का वक्त आ गया है। आर यू रेडी? रेडी। उस जगह की जानकारी लेने के लिए हमारे असिस्टेंट मैनेजर कैमरा और माइक लेकर वहाँ पर जाने के लिए तैयार होने लगे। अपने साथ कैमरा लेकर जाना है। प्रयास करें। यहाँ पर कोई दिख तो नहीं रहा। ठीक है, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। ऑर्डर किया, मैं सामान भी लेके आया, इधर आने के बाद नहीं है बोल रहा हूँ। क्या हो रहा है? ये लोग आइटम्स बुक कर दिया, टीवी और फ्रिज, अभी आने के बाद आदमी नहीं है बोल रहा हूँ। ये क्लाइमेट में मैं सामान लेके आया तो कितना रिस्क है। आप लोग हमसे क्यों पूछ रहे, वो तो घर में नहीं है। ठीक है, बोल दीजिए मैं क्या करना, मुझे पता पैसा नहीं, वो चाहिए। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, हमसे क्यों पूछ रहे, हमारा तो नहीं है। वो समय में आप भी एक बोल रहा हूँ ना। हम हैं, लेकिन हमने तो नहीं लिया ना इसे। कितना बजे आते हैं वो? 7 बजे 8 बजे, हमको तो पता नहीं उसके बारे में। उनका मर्जी, वो गाड़ी उस तरफ इस तरफ आ रहा था। अच्छा, वही तो देख रहा हूँ। मुझे तो नहीं मालूम वो देखकर क्या करने वाले हैं। ठीक है, मैं इधर ही बैठूंगा, वो आने तब इधर ही बैठूंगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकते, मैं रिटर्न गई तो गुस्सा हो जाते। आप रहने से भी दिक्कत नहीं, आप जाने से भी दिक्कत नहीं, कम से कम 3 घंटा लगेगा, आप इंतजार कर सकते हो। मैं इधर 3 घंटे रुकने के लिए, ये मेरा घर है क्या? नहीं जी, आप आने से पहले कितना पैसा होता है अगर को बोलना था। ऑर्डर करने का पहले सोचना। ऑर्डर करने से पहले वो जो भी ऑर्डर किए उन लोगों के पास आप पूछ सकते हो। अरे वो आएंगे तो भी वही बोलने वाले हैं जो मैंने अभी इनसे बोला। एक बार उसका फोन नंबर दे दीजिए ना। था, लेकिन वो डिलीट हो गया। अब वहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट मैनेजर को वहाँ पर भेजा और डिलीवरी पर्सन को वापस आने को कहा। कितने बजे आएगी? शाम को आएगी, 5 या फिर 6 बजे। 5-6 बजे हो जाएगा। ऑटो निकाल। निकालने क्या? ठीक है, चले जाएंगे। उसके बाद वो स्मार्ट फील करने वाले आदमी को बुलाया, उससे प्यार से बात किया और वहाँ से चले जाने को कहा। जैसे तैसे करके मैंने घर वालों का नंबर लिया, अब उनसे बात करना है। बात कीजिए, माँ से कहो कहाँ हो, जल्दी से घर आओ। कौन मैं? बात कीजिए। हेलो हेलो, आप घर पर नहीं है, आप कहाँ हो अभी? मैं काम पे आई हूँ, कुछ जरूरत है क्या? क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप जितनी जल्दी हो सके घर पे आ जाइए। लेकिन देने के लिए हाथ में पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूँ? पैसों की बात छोड़ दीजिए, आप जितनी जल्दी हो सके घर पे आ जाइए, उसके बाद उस बारे में बात करते हैं। हाँ ठीक है सर। उदरी, उदरी, आपको आने में कितनी देर लगेगी? और 2 रूम्स बाकी है, वो खत्म करके मैं आ जाऊंगी। 2 रूम और हैं, तो जितनी हाँ। जल्दी हो सके आप यहाँ पर आ जाइए, नहीं तो ये मौका आपके हाथ से छूट जाएगा। छूट गया सर, लेकिन आप जो लेके आए वो कह रहे हैं कि उसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा। आप यहाँ आइए तो सही, फिर मैं आपको बताता हूँ, आप जरा जल्दी आइए। ठीक है सर, मैं अभी आती हूँ। कितनी देर लगेगी आपको? 10 मिनट में आ जाऊंगी। ठीक है, 10 मिनट में आ जाइए। 10 या फिर 20 मिनट लग जाएंगे। ओके ओके, जल्दी आ जाइए, ऑफिसर हमारे साथ ही हैं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? लेडी नहीं आ रही। आपने उनको फोन किया था क्या? हाँ किया हूँ, स्पीकर में। हेलो, क्या आप निकल चुके हैं? हाँ मैं आ रही हूँ, ऑटो में हूँ अभी। ओके ओके, एट लास्ट वो यहाँ आ गए, वो बुजुर्ग और महिला यहाँ पर पहुँच गए। वो आ गए। तुम जाकर बात करो। मेरा साहब आके आपको मिला ना, ये आइटम्स पूरा साहब भेजा है, इसका बिल 26,000 हुआ है। मैं ज्यादा दूर से आया, मेरा ऑटो का चार्ज 2,000 हुआ है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि वो हमारी मदद करेंगे, इसीलिए हमने हाँ बोला। उन्होंने हमसे पूछा कि हमें कुछ जरूरत है या नहीं, मिक्सी या ग्राइंडर या टीवी या फ्रिज। हमने उनसे पूछा भी कि पैसे लगेंगे तो उन्होंने मना कर दिया, वो हमारी मदद करना चाहते थे। मदद करना चाहिए तो बिल क्यों भेजना, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा सर।
हाँ सर, हमको ऑर्डर आया उसके लिए मैं लेके आया, आप पैसा दिया तो मैं चले जाते। पैसे कैसे दूं सर, अगर हाथ में होगा तब दूंगी ना मैं। उन्होंने पूछा तो हमने बताया, लेकिन हमने ऑर्डर नहीं दिया। वही मैनेजर के पास फोन किए थे हम लोग, आप इतना अमाउंट पे नहीं कर सकते ना, इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप पे कर सकते कर को बोले थे उन लोग। उस दिन सर्वे के लिए आए थे ना, वही आपको सैलरी महीने 10,000 आता है ना, इंस्टॉलमेंट के ऊपर 2,000 वरना 5,000 आप पे कर सकते। 10,000 आ रहा है लेकिन हमारे खर्चे भी वैसे हैं, बहुत मुश्किल है हमारे लिए, इसलिए तुम्हें पैसे कैसे दूं? पूरा रिटर्न लेके नहीं जा सकते ना? थोड़ा यानी मैं कैसे दूं आपको? ऐसा बात करिए तो कैसे मैडम, आपका पास देने तो पैसा नहीं है ना? पैसे बोलेंगे तो कैसे? पूछने से हम बताया ना, इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप पे कर सकते तो वो ले सकते आप 2,000 का वरना 5,000 का आप ले सकते। देखो ना, वेदर भी अच्छा नहीं है, मैं आके ज्यादा समय हुआ। जब से इंतजार कर रहे हैं आप, कितने बजे आएंगे? मैं भी ड्यूटी से अभी भाग के आई हूँ, उन्होंने मुझे फोन करके बुलवाया यहाँ पे। अभी देने के मैं खाना खाने बैठी थी तो उन्होंने फोन किया, मैं जल्दी आई यहाँ। वो उधर देखिए ना, साइकिल है ना, मेरा हाथ से पूरा पैसा खर्च हो गया, मेरे बाइक के लिए साइकिल भी ले लिया, आप पैसा देने के बाद मैं जा लिया। आपको देने के लिए हमारे पास एक रुपए भी नहीं है। अब ऐसा बोला तो मैं क्या करना? करने का क्या मतलब, उन्होंने मुझसे पूछा कि जरूरत क्या है, हम आपकी मदद करेंगे, हम सामान भेज देंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो ऐसा करेंगे। एक बार कॉल करो मैनेजर को। हाँ कॉल करो। उन्होंने पूछा तो मैंने बताया, लेकिन ऐसे उन्होंने बोला नहीं कि पैसे देने होंगे, ऐसा होता तो क्या सब ये लोग ऑर्डर नहीं किया बोल रहा हूँ। आप मुझे क्या बोला सर, एक ऑर्डर आया जाके डिलीवर करो बोला, वो मैडम के पास पूछा सर, वो मैडम ऑर्डर नहीं किया बोल रहा हूँ सर, अभी बिल पे करने के लिए पैसा नहीं है बोल रहा हूँ सर, मंथली पे करो भी बोला सर। ठीक है सर, इधर देखो मैडम, मंथली 2,000 से 5,000 तक पे कर सकते। हाँ, हाँ सर थोड़ा दे सकते, लेकिन अभी देने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। 17 तारीख को आता था, 20 तारीख को आने लगा, अब 26 हो गया, अभी भी हमारे पास पैसे नहीं आए। आप आधा पैसा दे दिया तो ये आइटम्स आपको देके मैं इधर से चले जाते, आप पैसा दे दिया तो मैं ऑटो से पेट्रोल डाल के जा सकते। आपको देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। बोले तो मैं क्या करना मैडम, मैं कितना दूर से आ रहा हूँ सर, लेकिन समझिए मैडम, हमारे पास नहीं है, पूछ लेते पैसे हैं। मुझे नहीं पता मैडम, कंपनी में आइटम दे देते, मैं वो आइटम्स डिलीवरी करके उसके पास पैसे ले लेते। क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पे? आप इधर देखिए साहब, पैसा नहीं है बोल रहा हूँ। यानी कि मैं कह रही थी कि देने के लिए पैसे नहीं है। क्या कह रहे थे आप, जो आपने मांगा वो तो यहाँ पे आ गया। हाँ आ तो गया, लेकिन देने के लिए पैसे नहीं। वो तो ठीक है, इंस्टॉलमेंट के बारे में आपने इनको बताया था, कहा था कि 2,000 पे करो, 5 मंथ्स में हो जाएगा। अच्छा पहले उसे उतारो तो सही। हमने तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ भैया, बस बस छोड़ दो, नहीं उतारो, नहीं 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 उतारो उतारो नहीं, नहीं, नहीं। वो जो बोला ना, वो बोला आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा इसमें, तो आपको कुछ परेशानी नहीं होगा बोला, आप सामान तो भेज दिया, मगर उनको आने दो, हम उनसे बात करते हैं। ये जो सामान भेज के वो कहाँ गया, ऐसा नहीं करना है, उतारो, मगर उतार तो वही रखो। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तो करेक्ट नहीं है, हम लोग गरीब है इसलिए आप कुछ तो कुछ बोलता है। आपने सिर्फ मदद करने की बात, जब बोलता है वो अच्छी तरह ही बोलता, मगर ऐसा किया तो हम लोग क्या करेंगे। सही नहीं है ना, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में तो नहीं मिलेगा ना, अगर इंस्टॉलमेंट तो पहले ही बोलना पड़ता है, ये बात पहले बोलना पड़ता है, वो सब पहले ही बोलना पड़ता है। अब आके पैसा पूछा तो आने वाले के पास पैसा देना, ऐसा कुछ नहीं बोला ना हुआ, वो तो वो पहले दिन बोलना था ना। आपका नाम क्या है सर? नाम है गौतम वीरासूरी। अब समझ में आया कि उन्होंने हमें पहचाना नहीं। आप तो मदद करने उन्हें पहले आप दिखाइए, उन्हें जो कहना है उन्हें कहने दीजिए। श्रीमान जो आपको कहना है कह दीजिए। वो रोज वो क्या बोला तो, हमसे पैसा नहीं भरना होगा, फ्रिज कितना है, दाम कितना है पूछा तो, बिल्कुल आपको खर्चा नहीं, मुफ्त में ये सब देता हूँ बोला, गरीब के लिए। अब आके पैसा पूछे तो मुफ्त में दे रहा हूँ ना बोला, वो देना। क्या आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं? और बोलने का कुछ नहीं है। ठीक है, क्या आपके पास कैंची है? हाँ कैंची नहीं है। लेकिन क्यों खोल रहे हैं आप? ठीक है आप निकाल के लगा दीजिए। महीने का कितना है? 2,500 रूपए। हायर है क्या? हायर भेजा उन्होंने, एड आता है टीवी पर, आपने देखा तो होगा। देखा नहीं है, शायद होगा। यही है, यही आने वाले हैं हर महीने आपसे पैसे लेने के लिए। पहले ही महीने महीने हमने भरना बोला तो हम तो कुछ तो वही साफ साफ बोलते थे। हाँ, लेकिन आपको वो एक साथ तो नहीं देना है ना। वो तो सही है, मगर पहले ही बोलना था ना, मुश्किल है ना। वो तभी बोलते तो हम भी बोलते थे, ऐसा नहीं हो। पिताजी ये 10 महीने क्या आपने फ्रिज मांगा था ना? मैं नहीं मांगे, वही तो लेके आए हैं वो। नहीं क्या क्या कह रहे हैं आप? नहीं चाहिए, उन्होंने मांगा था फ्रिज, तो उनसे पूछिए। 26,000 बिल हुआ सर, और ऑटो चार्ज 2,000 सर, 28,000 सर। अरे बड़े साहब तो अंदर ही चले गए। हाँ मैं तो बोल दिया ना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। नहीं सर, अच्छा हो या बुरा हमने तो सोच लिया ना। क्या समझ? बस 26,000 हुए हैं और 2,000 इनके चार्ज हैं। हर महीने कितने देने हैं? 2,500 रूपए। 11 महीने में तो ये खत्म हो जाएगा। 11 महीने में हो जाएगा, यानी अगर आप दिसंबर में शुरू करेंगे तो क्रिसमस तक आपके घर में नया गिफ्ट आ जाएगा। तो फिर महीना महीना भरने का किससे होगा?
2,500 रुपए इस क्रिसमस के लिए तो मतलब दोनों के पैसे देने। एक टीवी और फ्रिज के लिए 2,500 भरना। फ्रिज क्यों लेके आए? फ्रिज तो मैंने बोला ही नहीं था ना। क्या कहा मांगा आप ही ने तो बोला कि फ्रिज चाहिए तभी तो लेके आए। बोलो आपने जो कहा उन्होंने रिकॉर्ड किया इसलिए तो उन्होंने सब कुछ भेजा। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करेंगे लेकिन महीने का 2,000 हम नहीं दे पाएंगे। 11 महीने में तो खत्म कर सकते हैं। आप इतनी आसानी से बोल रहे हैं पैसे तो हमें दे रहे हैं, हम तो दे नहीं पाएंगे कह रहे हैं आपसे हम, लेकिन देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन जरा एक बार कैचे हैं क्या, चाकू भी चलेगा। ये तो लगता है कि हमने मना कर दिया लेकिन आप जबरदस्ती इसे लेके आके रख। हमें तो सिर्फ आपका सपना साकार करना था। ये तो सपना ही था ना। हाँ आपने फ्रिज और टीवी मांगा था वो आ गया। फ्रिज सब हमको नहीं चाहिए ना। तो जब हमारे पास पैसे आएंगे तब बात देंगे, तब तक आप डिमांड मत करिए यहाँ पे। डिमांड नहीं करेंगे आके पूछेंगे नहीं, हम पैसे मांगेंगे। इसका करंट बिल कौन बांधेगा? जो आप कर रहे हैं सही है। और कैसा भरेंगे महीने महीने वो भी। आप भी अगर कुछ बोलेंगे तो कल अगर ये पैसे नहीं दे सकते तो हम आपसे भी मांग सकते हैं। आपने तो कहा था आपको चाहिए आप अभी आप चले जाते इधर से। अगर उस वक्त पे पैसा ना रहे तो जब तक आप इंतजार करेंगे पति को बुरा लगता है अगर कोई आके पैसे मांगेगा। घर के बड़ों से खुलवाते हैं। गारंटी कार्ड भी तो देना है। गारंटी कार्ड तो इसी के अंदर है। अब आप खुशी से क्रिसमस मनाइए। ये तो हैप्पी नहीं है। देखिए मैं अभी कह रही हूँ आप हमसे पैसे आके मत मांगिए, जब हमारे पास होगा तब हम आपको पैसे दे देंगे। मतलब आप एक साल में इसके पैसे दे देंगे? एक साल, दो साल, शायद तीन साल भी हो जाएगा। ऐसा कैसा है मतलब आप ऐसी तो ठीक है, महीने महीने दे दीजिएगा आप, हर महीने दे दीजिए। इतना जल्दी नहीं होगा कि ठीक, कुछ बोलने से पहले आप सोच तो लेते। महीने के अंदर हम पे कर सकते। कभी भी दे देंगे का क्या मतलब हुआ? क्या पैसे लेने के लिए हम जिंदा रहेंगे? हमारे पास पैसा। सही बोला ना मैंने, मैं जिंदा रहा तो ही पैसे लूंगा ना। यहाँ बारिश हो रही है आपके लिए मैं। देखिए अगर घर में चाकू है तो जरा जल्दी से लेके आइए, जल्दी लाइए, दे दीजिए। आपकी वजह से हमने खाना भी तो आपको लगता है हमने खाया? क्या हमने खाना खाया है? हमने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया, वो भी आपके लिए। मैंने आपसे वादा किया था इसलिए ये मैं कर रहा हूँ। आप तो हमारी मदद करने वाले थे, आप तो वाकई डिमांड कर रहे हैं हमसे। मैं आपसे कोई मांग नहीं कर रहा, यहाँ का प्लान ये है महीने महीने अगर आप पैसे दे दें तो हमारा काम बन जाएगा। आप कितने में खुश होंगे? 2,500 रुपए ठीक है? 2,000 भी बांध नहीं पाएंगे। ठीक है 1,700, कोई एक तो बोलिए। 2,500 रुपए कम तो नहीं हो सकते, लेकिन हम उनसे बात करके कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। आप बोल रहा हो ना, उसके बाद थोड़ा सुनिए ना। अब ये 1,500 भी मंथली पे नहीं कर सकते क्या? हम नहीं दे सकते बस। जितने साल और जिए तो कम से कम खुशी से तो जिए। तो मैंने आपको बोला कि मेरे घर पे अगर टीवी होता तो अच्छा होगा, तो आप टीवी फ्रिज दोनों उठा के पहले आपने एक बात बोला था, फिर आपके घर के बड़ों ने कहा कि उनको फ्रिज चाहिए। आप बोलेंगे कुछ भी, तेरी पूरी आशा तू बोल देगी। अभी तो वो घर के अंदर चले गए, जरा बाहर आके बात करने को कहिए। थोड़ा बाहर आके जरा बाहर तो आइए। बोलना मैं क्या बात करना आपसे, बोलो मैं भी तो इधर ही हूँ ना। लेकिन जरा हमें कैची दीजिए, दीजिए जरा। बिना बात करने से ओपन मत करना। हाँ देखिए हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये सामान काफी दूर से लेके आए हैं। ये लीजिए आप, जरा ये पकड़ लीजिए और फिर रिबन काटिए। यानी मेरे हाथ से ओपनिंग कराने वाले? आप एक रिबन काटिए और फिर उनसे दूसरा रिबन कटवाते हैं। तो कट करो, पकड़ रहे हैं आप, सब रिकॉर्ड हो रहा है मालूम। और नहीं तो क्या, हमें आगे जाके प्रूफ भी तो रखना है। नहीं तो 1,000 भरो महीने को, नहीं तो ये ऐसा हो गया तो 2 महीनों के एक बार ये मैं क्या 3,000 रुपए लेंगे? 2 महीने में आधा भर दिया तो एक बार। हाँ तो फिर आप पूरे पैसे दे दीजिए, आपकी मर्जी। आप बोल रहा आप जरा छुरी ले लीजिए, जल्दी ले। रुको, रुको। नहीं, मैं काटने वाली नहीं। रुको रुको, होने वाला है, रुक जाइए। रिकॉर्ड यहाँ पर चार्ज खत्म हो जाएगा, चलिए जरा जल्दी कीजिए। मुझसे क्यों कटवा रहे हैं? अरे अरे ये आप छुरी उठाइए तो जरा। साहब तो इतना बोल रहा है ना, तो कैंची लेके कट करना। क्या ससुर जी, देखा नहीं बारिश नहीं होगा? हम वादे से मुकरेंगे नहीं, तभी तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप और मैं बात ना बदले इसलिए तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे कुछ पूछना है, उस दिन जो मैंने बोला वो भी तो रिकॉर्ड हुआ होगा। रिकॉर्ड कर चुके हैं, आपसे सिर्फ मदद ही मांगी थी ना, और कुछ नहीं। तो जो भी हमने किया है रिकॉर्ड हुआ होगा। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम अनपढ़ होंगे। काटिए जल्दी जल्दी काटिए। अरे काटिए, अरे आप काटिए तो सही, कुछ नहीं होगा। जल्दी सब लोग तालियां बजाइए, तालियां। बस पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है ठीक है, चलिए आप आके बक्सा खोलिए। हाँ अब आपकी बारी है, अगर ये पैसे नहीं दे सकते तो हम पैसे आपसे ही लेंगे। आ जाइए। नहीं नहीं, अरे आप बाहर तो आइए, बाहर आ जाओ। अरे वो तो अंदर जाकर बैठ गए ना। अरे छोड़ दो, ठीक है कोई बात नहीं, इनसे कहिए आप आइए। मैडम उठिए, उठिए माँ जी, उठिए, आइए तो सही।
बड़े साहब आप भी आइए, नहीं, नहीं, आपको बाहर आना है, चलिए जल्दी आइए। अरे क्यों बुला रहे? अरे इंसान तो लोग है ना, उनसे कटवा दीजिए। अरे आपको इनके हाथों से भी तो कुछ खुलवाना चाहिए। क्या कह रहे? ये आपके कौन लगते हैं? तो क्या हुआ, इन्हें भी खोलने का मौका दीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप आइए तो जरा। सर बारिश में खड़ा हूँ, जल्दी आ जाओ ना मैडम। बैठ बैठ, मैं बारिश में भीग रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो अस्पताल का खर्चा भी आप ही को देना पड़ेगा। हाँ बस अभी आइए, जल्दी आइए। अरे ये भी ना, अरे जरा कैमरा दे देना यहाँ पे। देखो ना आपको, आप ही को तो बुला रहे हैं, जाओ। बस अब कह रहे हैं कि वो सब कुछ करेंगे। देखिए जल्दी आए, सब भीग गए। काम तो शुरू करो, जाके ओपन करो सर। एक सेकंड, एक सेकंड, आप वैसे ही रुकिए सर, बारिश में हो ना। अरे आ जाइए ना, मुझे क्यों बुला रहे हैं? आ जाइए माँ जी, आप भी आइए, आइए उठाइए तालियां। महीना महीना भरना पैसा तैयार, सब रिकॉर्ड कर लिया ना। अब चारों से पूछते हैं, और क्या पूछेंगे? अगर ये पैसे नहीं देंगे तो हम आपसे ही लेंगे। आप लोग इसका श्योरिटी है? टीवी जरा लगी आई, श्योरिटी नहीं, दस्तखत किया क्या? श्योरिटी नया प्लान है ना सर, इसीलिए तभी हम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत सारा नियम तो बदल गया, अब मुझे रीत रिवाज सब बदल गया। कल कोई कुछ और ना कहे इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पकड़ो ना, मैं आइए आइए आइए, जरा बाहर आ जाइए, जरा बाहर खींचिए, बाहर आ जाओ सर, जल्दी पकड़ो ना। इसे सारे एंगल से रिकॉर्ड कीजिएगा, सिर्फ इसके पैसे इनके हाथ से ले लीजिएगा। ठीक है, क्या कहते हैं आप? खोलिए, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? निकालिए, ये सब काफी नहीं है, पूरा खोल दें। उतार दो, ये भी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसे ज्यादा लगेंगे आपको। 2000 रुपए देने पड़ेंगे, आप लगाएंगे तो फ्री में हो जाएगा। पसंद आया आपको टीवी? ये टीवी जो है 5 स्टार है, यानी कि आपका जो करंट का बिल है वो बहुत कम आने वाला है। शुक्रिया, तसल्ली से देख लीजिए, सब चेक कर ले। कितना लेंगे आज पैसे? अभी मैं आधा पैसा लूंगा सर। 2000 ठीक है, इस महीने के पैसे दे दीजिए। ये मंथ में दे दीजिए। देने का क्या मतलब है? मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, 1 रुपए भी नहीं है। क्या हम एक खाली हाथ भेजने वाले हैं? अब उनको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। कभी मेरे पास पैसा नहीं है, ये क्या सही होगा? तो मैं घर नहीं जा सकता। सही है, जरा यहाँ आइए। 5 महीने तक सैलरी अभी तक नहीं मिलता, कुछ भी नहीं है। नहीं है, लेकिन क्या आप इसका बिजली का बिल भर पाएंगे? करंट बिल? अब तक तो करंट बिल भरा भी नहीं हमने, क्या करें? तो फिर अब इसका क्या करेंगे? अरे साहब बाहर आइए, बड़े साहब सर बाहर आइए। आप कहाँ छुप कर बैठे हैं? जरा बाहर आइए। चर्च कुछ बोल रहे हैं क्या? वो चर्च नहीं, ये चर्च। देखिए वो भी इसके लिए 30,000 का सामान लेके आए, टीवी और ये। पहले महीने का पैसा देने के लिए मैडम के पास पैसे नहीं है, बाकी महीनों के पैसे के बारे में क्या करें? आटे की पैसा दे दिया तो वो लोग चले जाएंगे। आपने तो कहा था कि आपको फ्रिज चाहिए, तभी तो लेके आए। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो सिर्फ टीवी मांगा था, एक छोटा सा टीवी घर पे लगाने के लिए। मुझे डर था इसलिए मैंने एक छोटा सा टीवी घर के लिए मंगवाया। चर्च में फ्रिज की क्या जरूरत है? क्यों फ्रिज ठंडी? ये लोग आके अब दे दिया, मगर पैसा कौन भरे? अब क्या करेंगे? अभी आप पूरे पैसे एक साथ नहीं दे सकते, तो इंस्टॉलमेंट दे दीजिए। सही बोला ना? सही बोला ना मैंने? अब ये गलत है ना। चलो लेगा वो भी इस बारिश और तूफान में। वो सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा भी सोचना ना। आप सभी लोग तो मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, सही बोला ना मैंने, इनको तो ये मजाक लग रहा है। फिर भी तो पैसा नहीं है ना, आप क्या करेंगे? ये महीने के पैसे बिल्कुल नहीं है, ये महीना नहीं, मेरे बच्चों की कसम। तू ये क्या कर रही है? और नहीं तो क्या, क्या बोलूं मैं उन्हें? बोल देना पैसे नहीं है। क्या हुआ बेटा, इधर आओ, आ जाओ, उस बच्चे को भी बुलाओ। फ्रिज चाहिए आपको? बहुत ठंडा होगा अंदर, चाहिए आपको? इतने दिनों से सब लोग फ्रिज मांग रहे थे, अब देखो फ्रिज आ गया। अभी के लिए 5,000 पैसा मैंने दिया ना, ये तो हम सब के लिए मैं दे रहा हूँ, हम सब लोग यूज करेंगे। कितने हैं ये? 5,000। देखा ना आप लोगों ने, 30,000 का सामान है और ये सिर्फ 5,000 रुपए दे रहे हैं। 30,000 और नहीं तो क्या, 30,000 का सामान है ये। क्या? हाँ 28,000। हाँ पहले तो आप इधर आना बोला, आप कह रहे हैं 2,000 कम हो गया ना, आप तो एक काम करते यहीं पे मर जाते हैं। बेटा जरा आकर इसे खोलो, आओ बेटा, क्या है इसमें? जितना उन्होंने मांगा है उन्हें दे दीजिए, बाकी आप रख लीजिए। कैसा लग रहा है आपको, शौक लगा? अरे उससे तो विश्वास भी नहीं किया जाता। नहीं नहीं, मैं ये सब मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं, मैंने कभी ऐसा कभी देखा ही नहीं है। अभी तक नहीं देखा, देख रहा हूँ ना। नहीं देखा तो है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस मैं तो एकदम से डर गई थी। कैसा लगा, पसंद है आपको?
ये तो लाजवाब है। फ्रिज के अंदर पैसा रखे दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा था। मेरा सर फिर रहा है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं था। सही डराया सबको। अच्छा बात करता हूँ क्या? रिकॉर्ड किया क्या आप लोगों ने? क्यों नहीं? हमारे ऑडियंस को तो ये दिखाना पड़ता है ना, ये हमारे वीडियोस देखने वालों नहीं, के लिए। नहीं, आपने जो किया मुझे समझ में नहीं आया। आपका मुसीबत देखिए उसलिए फ्रिज दी है सर, उसके लिए इतना सब कुछ किया। आपकी मेहरबानी के लिए मैं। इसे आप किसी तरह की मेहरबानी मत समझिए। बेटा आपको ये फ्रिज पसंद आया? यहाँ आओ जरा, पसंद आया आपको? जाना टीवी देखते हो क्या? टेंशन में आ गए क्या आप? आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, इनके पैसे मैं दे चुका हूँ। ठीक है जी। हाँ ठीक है, दे दीजिए। थैंक यू। आप तो जरूर बड़े आदमी हैं। इस समस्या से मैं कुछ समझ रहा हूँ। एक संदेश मुझे मिला है, हम लोगों को बहुत खुशी है। फिर भी एक बात है, इतनी बड़ी चीज को हम लोगों के लिए मुफ्त में दे रहे ना आप। सिर्फ आपके चेहरों पे मैं खुशी बोल सकता हूँ। आपकी खुशी, आपका रिएक्शन, आप तो है भगवान, सच में भगवान है आप। ये छोटे उम्र में आपको इतना बड़ा मन है, सबको मदद कर रहे हैं आप। पैसा क्या पैसा, आपके मन में प्यार है, बहुत प्यार है, वो हुई ना बात। आप हम लोगों को इतना किया है मगर मैं आपको सिर्फ शुक्रिया ही बोल सकता हूँ, मगर दिल से बोल रहा हूँ। आपने जो भी किया है ये इसकी वजह से हमें, हम सब इन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। मेरा नाम आपसे वो क्या नाम नहीं बताया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो आप किसी और की मदद जरूर कीजिएगा। भगवान आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी खुशी होगी। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ सोच रही हूँ कि एक फ्रिज तो कम से कम ले ले, लेकिन हमारे पास उसके लिए पैसे भी नहीं है। सिर्फ भगवान पर विश्वास रखा, हमारे जितने भी सपने थे आपने उसे पूरा किया। हम हमारी तनख्वाह से खरीद तो नहीं सकते, लेकिन आपको शायद से भगवान ने भेजा है। आपने हमसे आके बातें की, हमसे पूछा फ्रिज चाहिए या टीवी चाहिए, आपने हमारी मदद की, आपने सब वादा किया। उस टीवी और फ्रिज का इस्तेमाल कीजिएगा और बहुत खुश रहिए। हाँ बिल्कुल, भगवान भगवान आपको 100 साल देगा। आपने हमारी जितनी मदद की हम उसे कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं होगा, लेकिन हम आप पे देखते ये सब अंदर रखो। आप चाहिए तो इसके पैसे, हम पैसों की कोई जरूरत नहीं है आपसे, कोई कुछ नहीं, सच में हम आपके पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, शायद आप भी। किसी की सहायता कीजिए, अच्छा लगेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सी यू सून।